एक काली मिर्च और आपका दुश्मन पानी मांगता नजर आएगा। दुश्मन की सारी हेकड़ी निकल जाएगी और जिसने आज आपको परेशान कर रखा है, आपका जीना मुश्किल कर रखा है, आपकी लाइफ में परेशानियां खड़ी कर रखी हैं, वही दुश्मन आपके सामने नाक रगड़ता हुआ नजर आएगा। दुश्मन को धूल चटाने और उसे मिट्टी में मिलाने का एक ऐसा शक्तिशाली उपाय आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जिसको करने के बाद आपका एक भी शत्रु नहीं बचेगा। दुश्मन कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कितना ही अहंकारी क्यों ना हो, इस उपाय को करने के बाद आपके दुश्मन की हार निश्चित है। दुश्मन का सारा घमंड चूर चूर हो जाएगा और वह शत्रु मिट्टी में मिलने के लिए मजबूर हो जाएगा। दुश्मन को धूल चटाने का और उसे बुरी तरह से सबक सिखाने का ये उपाय आज से पहले आपको मैंने नहीं बताया है, लेकिन पिछले बहुत सारे दिनों से बहुत सारे भक्तों के कमेंट आए हुए थे, तो हमारी कोशिश थी कि जल्दी से जल्दी हम आपके लिए ये उपाय लेकर आएं और आप सभी भक्तों को, जो भक्तों ने हमसे प्रश्न पूछे थे कि गुरु जी हमारे दुश्मनों ने हमारा जीना मुश्किल कर रखा है, शत्रुओं से हम बुरी तरह से प्रभावित हैं, हमें कोई ऐसा उपाय बताएं जिसके करने से हम अपने दुश्मनों को सबक सिखा सके। अगर आप अपने शत्रुओं के चंगुल से खुद को बचाना चाहते हैं और अपने दुश्मनों को हमेशा के लिए सबक सिखाना चाहते हैं, तो ये उपाय आप एक बार कर दीजिएगा। आपका दुश्मन लाइफ में कभी भी आपके सामने आने की हिम्मत भी नहीं कर पाएगा। दुश्मनी तो छोड़िए, आपका शत्रु आपकी तरफ आंख उठाकर देखने की भी हिम्मत नहीं कर पाएगा। आपके एक शत्रु हो, दो हो या दस शत्रु हो, जितने भी शत्रु हो, इस उपाय करने के बाद वो सारे शत्रु आपके सामने पानी भरते हुए नजर आएंगे और दुश्मन चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, कितने भी यत्न कर ले, उसकी सारी चाल फेल हो जाएंगी और वो आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। अगर आप सचमुच में अपने दुश्मन को पटखनी देना चाहते हो, उसे हार का मुंह दिखाना चाहते हो, तो आपको यह उपाय करना ही करना होगा। बहुत ध्यान से इस उपाय को सुनना है, क्योंकि अगर आप उपाय को अच्छी तरह से करोगे, उपाय करने में कोई भी गलती नहीं करते हो, तभी आपको किए जाने वाले उपाय का फल मिलता है। जल्दबाजी में या गलत तरीके से किया गया उपाय भी कभी कोई फल नहीं देता है। तो चलिए शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षेयमामृता। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो नमस्कार, सुस्वागतम, आभार। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का ज्योतिष मिराकल पर आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। प्यारे दर्शकों, हर एपिसोड में हमारी कोशिश रहती है आपके लिए ऐसी जानकारी लेकर आए जो आपके लिए लाभदायक हो। जो प्रश्न आपने हमसे पूछे हैं, उन प्रश्नों के उत्तर हम जल्द से जल्द दे सकें, यही हमारा प्रयत्न रहता है। तो बहुत दिनों से हमें बहुत सारे भक्तों के कमेंट आ रहे थे, प्रश्न मिल रहे थे कि गुरुजी दुश्मनों से
छुटकारा पाने का कोई ऐसा उपाय बताएं जिसको करने से हमारा एक भी शत्रु ना बचे। तो जैसा कि आपने एपिसोड के टीजर में देखा है, एक काली मिर्च और दुश्मन पानी मांगता हुआ नजर आएगा। जी हाँ साथियों, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि दुश्मनों से मुक्ति के जो उपाय हैं, इन्हें बड़ी सावधानी से करें। गलत नियत या गलत नीति से इन्हें करने पर आपको इनका बुरा फल भी मिल सकता है। केवल आपने इन्हें तभी करना है जब आपको लगे आपके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है, तब आपको इनका फल जरूर मिलेगा और आपको दुश्मनों से छुटकारा मिलेगा। तो उपाय शुरू करते हैं साथियों। इस उपाय को शनिवार के शाम को आपको करना है। शनिवार की शाम को आपने एक सफेद कागज पर और काले रंग के पेन से अपने दुश्मन का नाम लिखना है। पेपर जो है वो प्लेन होना चाहिए और लाइनदार पेज नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर काले रंग के पेन से आपने अपने दुश्मन का या जो शत्रु है उसका नाम लिखना है। अगर आपको अपने शत्रु का नाम नहीं पता है तो उसकी जगह पर आप अज्ञात शत्रु या गुप्त शत्रु ही लिख सकते हैं। उसके बाद आपने उस पेपर के ऊपर दो ब्लैक चिली, जी हाँ जो साबुत खड़ी काली मिर्च होती है, वो आपने वहां पर रखनी है उस पेपर के ऊपर। उसके बाद उस ब्लैक चिली जो है काली मिर्च को किसी चीज से अच्छी तरह से पीस देना है जिससे उसके जो बीज वगैरह है वो अच्छी तरह से निकल जाएं। अब इस पेपर को आप फोल्ड कर लें 2-3 times उसको फोल्ड करके, और किसी ऐसी जगह पर जाना है जहां पर मतलब खाली जगह हो, लाइक मिट्टी वाली जगह हो खाली, जहां पर आसपास कोई मकान ना हो, वहां पर आपने एक हाथ जितना गड्ढा खोद करके और उस गड्ढे में इस पेपर को आपने डाल देना है। ऊपर से गड्ढे को कर देना है आपने बंद। ये काम करने के बाद आपने बिना पीछे देखे हुए, बिना पीछे मुड़े सीधा आपने लौट कर आ जाना है और रास्ते में किसी के साथ भी बातचीत नहीं करनी है। एक शनिवार को केवल आपने इस उपाय को करना है। अगला शनिवार आने से पहले पहले इस उपाय के जो रिजल्ट है वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। आपका जो दुश्मन जिससे आप प्रभावित थे, उस दुश्मन की हेंकड़ी निकलनी स्टार्ट हो जाएगी। उसकी जितनी भी शक्तियां, जो चीज, जो क्रिया भी वो करता था, वो सारी धीरे धीरे करके समाप्त होनी स्टार्ट हो जाएगी। और कुछ ही समय में आप पाओगे कि आप जिस दुश्मन से पीड़ित थे, जिस शत्रु से आप प्रभावित थे, धीरे धीरे करके उसके चुंगल से आप आजाद होना शुरू हो गए हो। गलत नियत से नहीं करना है, बस इस बात का ध्यान रखना है। और जैसे ही आप ये उपाय करोगे, इसके बहुत अच्छे परिणाम आपको प्राप्त हो जाएंगे। अगर इस उपाय से जुड़ा हुआ आपका कोई प्रश्न है, इफ यू हैव एनी डाउट, इफ यू हैव एनी कंसर्न, देन यू कैन मेल योर क्यूरीज इन आवर कमेंट बॉक्स और यू कैन टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप। द नंबर यू कैन फाइंड इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आज के लिए बस इतना ही। अब हम आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात करेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय माता की।